बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको सिखाऊंगी बैंगन का भरता, जिसके लिए मैंने ये 1 kg बैंगन लिए थे। उनको अच्छी तरह से धो के हम इसको जला लेंगे जी चूल्हे के ऊपर। छिलका जो है इसका बिल्कुल जल जाएगा, तो हम फिर इसको निकालेंगे और फिर इसके जो छिलके हैं वो रिमूव करेंगे। इसी तरह साथ साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने प्याज की कटिंग की है और टमाटर की कटिंग की है। ये देखें जी, कटिंग करते करते बैंगन जो हैं वो हमारे जल चुके हैं। इनके ऊपर से हम छिलका रिमूव करेंगे और फिर इसके पीसेस काट लेंगे। बैंगन का भरता बहुत ही मज़े का बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और फिर बताइएगा आप सबको कैसी लगी मेरी ये वाली रेसिपी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं आपको क्या सिखाऊँ, क्या आप सबको अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैंने सारी कटिंग कर ली है, अब इसकी बुनाई करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है और हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। प्याज डालेंगे और प्याज को हम करेंगे हल्का सुनहरा। मैंने 1 kg बैंगन लिए और 1/2 kg जो है वो इसके अंदर मैंने आलू डाले हैं। आलू ऑप्शनल है, आपने डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और काली मिर्च मैंने ली है। मैंने 1-1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च ली है, 1 चम्मच ही सुरख मिर्च ली है और 1/2 जो है चम्मच वो ली है मैंने हल्दी। नमक आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और जी टमाटर हो गए थे जो है इसके अंदर मसाले डाल के अच्छी तरह से भून के इसके अंदर मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं। और आलू को हम गलाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि बैंगन जो है हमारे वो पहले ही सॉफ्ट हैं, तो इसलिए आलू को गला लें और फिर इसके अंदर बैंगन जो हमने काटे थे छिलका उतार कर वो इसके अंदर डालेंगे। मज़ीद हम इनको 5 मिनट भुनेंगे और हमारे बैंगन जो हैं वो हो जाएंगे रेडी। ये देखें जी, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी, चटहारेदार हमारे जो बैंगन का भरता है वो हो गया रेडी। ठीक है व्यूवर्स, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।